इस वीडियो में हम एक नया एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये उसका ऑपरेटस है। इसमें हमें किसी कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है। इसके अलावा हम लोग उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे बाय थ्योरेटिकली और बाय ग्राफ, दोनों मेथड से हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटस के कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। इस ऑपरेटस में यहाँ पे तीन कैपेसिटर दिए गए हैं। ये एक कैपेसिटर है, ये 4700 माइक्रोफेरेट का है। दूसरा कैपेसिटर 2200 माइक्रोफेरेट का, और तीसरा यहाँ पे 1000 माइक्रोफेरेट का है। एक्सपेरिमेंट के दौरान हम इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस के भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे R1 10 किलो ओम का, R2 15 किलो ओम का, R3 18 किलो ओम का। और यहाँ पे ये एक पावर सप्लाई है, एक ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे एक मिली एमीटर है। तो सबसे पहले इस ऑपरेटर्स को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा फाइल वर्क देख लेते हैं, ताकि इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको जो फाइल में मेंशन करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप ये फाइल इसका तैयार करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट इसमें मेंशन करना पड़ेगा, टू स्टडी चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रेजिस्टेंस, यानी आरसी सर्किट का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स चाहिए होंगे, और उसके बाद एक वोल्ट मीटर, यहाँ पर पावर सप्लाई, कुछ कनेक्शन वायर्स, और एक मिली एमीटर भी हमें चाहिए है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज्ड, यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस एक्सपेरिमेंट में यूज होगा? तो फार्मूला यूज्ड में पहला, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e^-t/RC। अब ये जो फार्मूला है ये कैपेसिटर के चार्जिंग का है, और चार्जिंग में भी उसमें आवेश के फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका पूरा थ्योरी क्या है, इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो वाइवा का वीडियो होगा वहाँ पे हम ये बताएंगे कि कैसे ये चार्जिंग का ये फॉर्मूला आता है, या फिर डिस्चार्जिंग का कोई भी फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज एक्वायर्ड बाई द कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे तो वो कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उसकी वैल्यू है क्यू नॉट। आर इंटू सी, आर रेजिस्टेंस होता है, सी कैपेसिटेंस, और आर इंटू सी जो होता है वो टाइम का डायमेंशन देता है, और इनको कंबाइंड वे में हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और टी है टाइम ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट है द इक्वेशन फॉर करेंट ड्यूरिंग चार्जिंग। अब जैसे यहां पे ये चार्ज का वेरिएशन है, तो ये करेंट का वेरिएशन है, क्योंकि यहां हमारा जो ऑपरेटर्स है इसमें मिली एमीटर लगा है, तो हम लोग चार्ज का वेरिएशन स्टडी नहीं कर सकते। हम लोग उस कैपेसिटर पे करेंट का जो वेरिएशन होगा, जो करेंट बढ़ेगा या कम होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ना कि चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ पे करेंट के फॉर्म में जो इक्वेशन है चार्जिंग का, वो है I = I0 e^-t/RC। यहाँ पे I क्या है, I जो है वो एट पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी पे जितना करेंट होगा वो बताता है, I0 जो है वो मैक्सिमम करेंट बताता है, और R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R × C का गुणनफल टाइम कांस्टेंट का है। अब डिस्चार्जिंग में जो फॉर्मूला यूज होगा, डिस्चार्जिंग के लिए द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाई, ये आवेश के फॉर्म में Q = Q0 e^-t/RC। Q आवेश है किसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल t पे, Q0 मैक्सिमम चार्ज है, R × C टाइम कॉन्स्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करेंट के फॉर्म में, तो द करेस्पॉन्डिंग करेंट इक्वेशन विल बी I = -I0 e^-t/RC। यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया है, ये दोनों इक्वेशन सेम होगा करेंट का, क्योंकि चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करेंट दोनों ही केस में घटता ही है, बट डिस्चार्जिंग के समय करेंट का डायरेक्शन पलट जाता है। इसको भी मैं बताऊँगा आप लोग को जब सर्किट में बताऊँगा तब। तो ये माइनस वहाँ से आता है, और बाकी सब सिंबल वही है। टी पर्टिकुलर एक टाइम है जिसपे करेंट
आई है, आई नॉट मैक्सिमम करेंट है और आर इन टू सी टाइम कॉन्स्टेंट है। तो ये यहाँ तक ये फॉर्मूला यूज हो गया। अभी ऑब्जर्वेशन पे हम लोग अभी बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा इसका हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ भी ये जो ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स में ये सर्किट दिया है, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक अलग यहाँ पे ये सिंपल सर्किट बनाया हूँ ताकि इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को समझा जा सके। ऊपर वाला जो सर्किट है ये चार्जिंग के लिए है और नीचे वाला डिस्चार्जिंग के लिए है, इसी से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये आरसी सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, ये आरसी सर्किट है। यहाँ पे एक पावर सप्लाई बैटरी लगाया गया है जो कि ये है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी मैं जोड़ते वक्त ये बताऊँगा, फिलहाल आप यहाँ पे देखिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहले चार्जिंग के लिए ये आर सी और यहाँ पे एक सीरीज में मिली एमीटर करंट मेजर करने के लिए और कैपेसिटर के पैरेलल में एक हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो जैसे ही हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे यहाँ से करंट चलना शुरू होगा और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। तो जब चार्ज करने लगेगा तो चार्जिंग में कैपेसिटर पर चार्ज तो इकट्ठा होगा लेकिन करंट कम होगा, मतलब शुरू शुरू में जब चार्ज बिल्कुल कम था तो उस समय मैक्सिमम करंट पास हुआ होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पे करंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे चार्जिंग के समय हमें ये करंट घटते हुए दिखाई देगा और यहाँ हम लोग यहाँ कैपेसिटर पे वोल्टेज हमें चार्जिंग के समय बढ़ते हुए दिखाई देगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चार्जिंग के समय ये इस प्रकार से ये इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आप डायरेक्शन देखिएगा, इस प्रकार से ये इसमें करंट जाएगा और ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, आवेश इसमें चार्ज होगा। धीरे धीरे जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर ये करंट इसमें से पास होना बंद कर जाएगा, यानी करंट घटते घटते जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए स्विच इधर है, फिर जैसे ही ये डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग नीचे की ओर स्विच दबाएंगे फिर ये सर्किट खत्म हो जाएगा, ये सर्किट इसमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जब ये चार्ज पे था तो ये वाला नहीं जुड़ेगा, ये मतलब ओपन है, ये वाला सर्किट जुड़ा है, बैटरी इसमें लगा रहेगा। जब डिस्चार्ज करेंगे तो ये इतना कट जाएगा और केवल ये सर्किट आ जाएगा, यानी ये डिस्चार्जिंग के लिए फिर ये सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आर और सी बैटरी गायब हो गया, तो ये जो कैपेसिटर है चार्जिंग के दौरान ये पूरा चार्ज हो गया रहा होगा, इस पे आवेश इकट्ठा हो गया रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग डिस्चार्जिंग करते हैं बैटरी खत्म हो गया, तो अब ये कैपेसिटर कुछ देर के लिए बैटरी की तरह काम करेगा और जो इस पे आवेश इकट्ठा हुआ है अब ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और पूरा वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस पे आके ड्रॉप कर जाएगा और धीरे धीरे आपको करंट घटते हुए दिखाई देगा। ध्यान रहे इसमें भी करंट घटेगा लेकिन डायरेक्शन पलट गया, अब ये डिस्चार्जिंग चूंकि कैपेसिटर के थ्रू हो रहा है तो ये इस प्रकार से ये यहाँ पे करंट चलेगा और आर पे पूरा ड्रॉप कर जाएगा। तो इस केस में आपको करंट घटते हुए दिखाई देगा और वोल्टेज भी कैपेसिटर के अक्रॉस घटते हुए दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा चार्जिंग में करंट घटते हुए दिखाई देगा, डिस्चार्जिंग में भी करंट घटते हुए दिखाई देगा, लेकिन चार्जिंग में यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ते हुए दिखाई देगा जबकि डिस्चार्जिंग में यहाँ वोल्टेज घटते हुए दिखाई देगा। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटली इस ऑपरेटर्स के सहायता से। मेरे ख्याल से ये आपको सर्किट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस दोनों सर्किट से कैसे होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए पहले हम इस सर्किट को इसके करेस्पॉन्डिंग पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो बैटरी है 0 से 12 वोल्ट का है इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यानी ये यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ। तो इसके लिए देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है मैंने यहाँ पे ये इस पॉजिटिव से जोड़ दिया ये बैटरी इनपुट के लिए और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल हमने ये नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये बैटरी यहाँ पे ये जुड़ गया। अब यहाँ पे एक मिलीएमीटर है और यहाँ पे दिखाया भी है कि यहाँ आपको एक मिलीएमीटर यहाँ पे लाके फिक्स कर देना है। तो इसके लिए हम लोग अगेन एक यहाँ पे वायर लेते हैं और ये पॉजिटिव ये यहाँ पे एक जो मिलीएमीटर है इसके इस पॉजिटिव से और यहाँ पे एक ये टर्मिनल ये जो नेगेटिव है यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं इस मिलीएमीटर के नेगेटिव से। इसका मतलब हुआ कि आपने इस मिलीएमीटर को यहाँ से लाके उठा के यहाँ पे जोड़ दिया सीरीज में। अब यहाँ से देखिए अब हमें एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब ये आपको 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहा है, आप इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए मैं आर बराबर ये ले लेता हूँ, तो अब ये टर्मिनल हमारा ये आर के लिए हो गया। अगर मैं इसको लेता तो ये वाला आर टू 15 किलो ओम का लेते हैं, ये लेते तो 18 किलो ओम का। तो मैं पहला रेजिस्टेंस ये ले लेता हूँ ये,
और अब मुझे इससे कैपेसिटर जोड़ना है। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ, तो ये दोनों कटआउट हो गए और ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक कैपेसिटेंस सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए कैपेसिटर के लिए भी आपके पास तीन कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पे ये एक वायर लगा देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप ये 1000 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर चूज़ कर लेते हैं, इसमें लगाएंगे तो ये 2200 माइक्रोफेरेड वाला, और इसमें लगाएंगे तो यहाँ 4700 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहला ही ले लेता हूँ C1, तो ये हमारा C कनेक्ट हो गया। अब ये यहाँ C1 इतना कनेक्ट हो गया, यानी ये देखिए ये C1 यहाँ पे, यानी ये यहाँ तक मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस C के पैरेलल में मुझे वोल्ट मीटर भी तो लगाना पड़ेगा वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये सर्किट देखिए ये इतना हो गया है। अब यहाँ पे ये पैरेलल में यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव का नेगेटिव, यानी ये वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसको भी मैं यहाँ पे फाइनल कर देता हूँ सर्किट। तो ये यहाँ पे मैं ये पॉजिटिव यहाँ वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया, और ये यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये वोल्ट मीटर के हमने इस नेगेटिव से जोड़ दिया, और ये हमारा वोल्ट मीटर भी फाइनली इसमें लग गया। अब ये दोनों सर्किट एक ही में इनबिल्ट है। अगर आप इसको ये चार्जिंग पे कर देंगे तो ये वाला सर्किट काम करेगा, अगर आप इसको डिस्चार्जिंग पे कर देंगे तो फिर ये वाला सर्किट काम करेगा। वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ये डिस्चार्जिंग पे ये वाला पार्ट इनपुट जो वोल्टेज वाला पार्ट है इसको कट कर देगा। तो अब ये हमारा सर्किट पूरा हो गया है। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले मैं आपको इस बटन का यूज कर बता देता हूँ। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट के दौरान काम आता है। जैसे कभी मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज हो गया है, आपने ऑपरेटर्स बंद कर दिया, तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ कुछ करंट बताएगा, क्योंकि उस समय कैपेसिटर पे कुछ चार्ज रहता है। तो आप यहाँ डंप को जैसे ही ऑन कर देंगे ये पूरा इसका चार्ज जो है वो डंप हो जाएगा। फिर आप इसको वापस ऐसे कर देंगे एक्सपेरिमेंट से शुरू करने से पहले। अगर आप डंप को ऑन पे ही छोड़ देंगे तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो ये मैंने डंप को बंद कर दिया, मतलब ये ऑन नहीं है, बंद कर दिया, ताकि चार्ज हमारा कैपेसिटर पे प्रॉपरली वहाँ पे जाके इकट्ठा हो। डंप अगर ऑन कर देंगे ना तो पूरा चार्ज डंप हो जाएगा, वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कैपेसिटर का चार्जिंग नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं ऑपरेटर्स को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा ऑपरेटर्स ऑन हो गया। अभी ये डिस्चार्ज पे है तो चार्जिंग नहीं बता रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी डायनेमिक होता है, मतलब काफ़ी फास्ट इसमें रीडिंग लेना पड़ता है। और इस जो मैं ऑपरेटर्स आपको दिखा रहा हूँ इस ऑपरेटर्स से तो आप डायरेक्ट रीडिंग भी नहीं ले सकते। आप इसको रिकॉर्डिंग करके ही बाद में इसके रीडिंग को नोट करेंगे, कैसे वो मैं बता रहा हूं। अभी देखिए यहां पे वोल्टेज जीरो बता रहा है, और ये चूंकि ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर की तरह है, यहां पे मिलीमीटर है, ये बीच में जीरो है, इसलिए क्योंकि मैंने याद है आपको बताया था कि चार्जिंग में अगर करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है तो डिस्चार्जिंग में उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, ताकि अगर चार्जिंग में ये करंट इधर का डायरेक्शन बता रहा है तो हम देख पाएं कि डिस्चार्जिंग में ये अपना पोलैरिटी, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा। तो ये बीच में है, मतलब करंट जीरो है, वोल्टेज जीरो है। अब मैं ये चार्जिंग, अब देखिए इसमें जरा सा एक मिनट, यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में एक साइड टाइम नोट करना है, दूसरे साइड वोल्टेज आपको, मतलब जैसे ही आप ये चार्ज ऑन करेंगे ना ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा तो ये वोल्टेज धीरे 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 बढ़ने लगेगा। तो आपको हर समय पे जैसे 10 सेकंड पे कितना वोल्टेज बढ़ा, अच्छा उसी समय आपको तुरंत करंट भी नोट करना होगा। तो करंट ना जैसे ही आप इसको चार्जिंग ऑन करेंगे करंट पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जीरो पे है, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 पे पहुंच गया, अब उसके बाद वो वहां से घटना शुरू करेगा, क्योंकि करंट ध्यान दीजिएगा शुरू शुरू में जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तभी मैक्सिमम करंट होता है। तो करंट शुरू शुरू में तुरंत यहाँ मैक्सिमम पहुंचेगा, उसके बाद करंट धीरे धीरे यहाँ पे घटना शुरू करेगा, और उस दौरान ये वोल्टेज बढ़ना शुरू करेगा। वोल्टेज बढ़ने का मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और करंट यहाँ पे चार्जिंग के दौरान धीरे धीरे घटेगा। तो आपको एक ही साथ एक ही समय पे वोल्टेज और करंट दोनों देखना है। मतलब जैसे 10 सेकंड का टाइम बीत गया तो आप 10 सेकंड पे ये कितना वोल्टेज चार्ज हुआ तुरंत वो नोट करेंगे, और उसी टाइम पे उस समय कितना करंट शो कर रहा है वो तुरंत आप वो भी नोट करेंगे। ये जो डाटा है ये दूसरे ऑपरेटर्स का डाटा है। इस ऑपरेटर्स का जो डाटा है वो बहुत ही डायनेमिक होता है, उसको अभी मैं दिखाऊंगा, उसको ले पाना मुश्किल होता है। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर किसी को फाइल कंप्लीट करना है तो वो इस डाटा से कर ले, समझने वाला काम इससे हो जाएगा। एक और ऑपरेटर्स मेरे पास है, वो डिजिटल है, उससे समझ में कम आता है लेकिन रीडिंग आसानी से ले लेते हैं। तो जब रीडिंग लेना होगा तो मैं एक दूसरा वीडियो उस ऑपरेटर से बना दूंगा, उसमें आप रीडिंग अच्छे से ले लेंगे, लेकिन समझने वाला काम इसी से अच्छे से हो पाता है। तो फिलहाल अभी
जिसको फाइल लिखना है वो ये डाटा लिख लेगा और समझने वाला काम हम पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे ही आप चार्जिंग ऑन करेंगे तुरंत आप यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखेंगे और स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। अब स्टॉप वॉच में मान लीजिए समय हो गया 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पर तुरंत कितना वोल्टेज यहाँ पर पहुँचा है और कितना करेंट पहुँचा है ये लिखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए टाइम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड हो गया, अब 10 सेकेंड पे तुरंत कितना ये वोल्टेज बढ़ के हुआ वो और करंट घट के कितना हुआ वो लिखना है, यानी टाइम का इंटरवल उसी टाइम पे वोल्टेज और करंट आपको नोट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले चार्जिंग ऑन कर रहा हूँ, पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका नज़र यहाँ पे होना चाहिए, करंट तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा और ये बढ़ना शुरू करेगा। ये देखिए ये चार्जिंग मैंने ऑन किया, अब यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट शायद, हाँ एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, देखिए आप लोग भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा। इस समय ये जो बैटरी का 0 से 12 वोल्ट है इसको तो मैंने 0 किया हुआ है, तो यानी इस समय ये 0 वोल्ट है तो चार्ज कहाँ से होगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले इसको डिस्चार्ज पे कर देते हैं और इस बैटरी का आप वोल्टेज पहले बढ़ा के मैक्सिमम कर देंगे, यानी आपने मैक्सिमम 12 वोल्ट कर दिया है, अब जाके ये 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर पहुँचा। अभी तक ये 0 था इसीलिए जब मैंने ऑन किया था तो ये चार्ज नहीं हुआ था, तो ये 12 वोल्ट पे, ये मैक्सिमम 12 वोल्ट पे है, तो जैसे ही ऑन करेंगे ये धीरे धीरे ये चार्ज होना शुरू करेगा और इसको मैक्सिमम कहां तक चार्ज होना चाहिए 12 वोल्ट तक, लेकिन मैक्सिमम 12 वोल्ट तक चार्ज नहीं होता है। अब इसको आप लोग चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, मैं चार्जिंग ऑन करने वाला हूं, यहां पे देखिएगा करंट तुरंत मैक्सिमम गया, ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू गया और ये यहां पे वोल्टेज का चार्जिंग हो रहा है और ये करंट धीरे धीरे घट रहा है। अब जैसे मान लीजिए 5 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड पे वोल्टेज 5 वोल्ट तुरंत 0.6 मिली एम्पियर करंट, अब मान लीजिए 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड पे 7.5 वोल्ट और करंट 0.4 मिली एम्पियर, तो ये इतना डायनेमिक ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसके लिए मैं सलाह देता हूं कि पहले जैसे ये चार्जिंग हो रहा है इस समय, अभी भी देखिए धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे करंट घट रहा है, तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और यहां पे स्टॉप वॉच भी ऑन रहेगा। इस समय फिलहाल मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है, तो आप यहां पे स्टॉप वॉच भी चलता रहेगा, ये भी अपना चार्ज होता रहेगा, ये भी चार्जिंग में ये करंट कम होता रहेगा, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में वीडियो को स्लो करके आप इसमें से रीडिंग निकाल सकते हैं। बट आप सोचिए कि अगर डायरेक्ट इसमें हम रीडिंग ले लें तो इस ऑपरेटर से बड़ा मुश्किल है। देखिए ये चार्ज हो गया मैक्सिमम, ये 10 वोल्ट तक ये लगभग ये मैक्सिमम चार्ज हो गया है और करंट जो कि पहले मैक्सिमम 1 पहुंचा था अब ये घटते घटते कितना आ गया है 0। तो अब यहां पे देख लीजिए, हालांकि ये दूसरे ऑपरेटर्स का डाटा है, फिर भी देखिए यहां पे ये टाइम बढ़ा, वोल्टेज उस दौरान ये 3 से 6, 9 फिर ये बढ़ते बढ़ते उस ऑपरेटर्स में 20 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो ये लगभग 19 वोल्ट तक यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा और करंट जो कि शुरू शुरू में मैक्सिमम 35 रहा होगा वो घटते घटते कितना यहाँ पे 1 आ गया। तो इसी यही चीज़ इसमें भी हुआ है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है लेकिन 12 वोल्ट तक ये पूरा चार्ज नहीं हुआ है, 10 वोल्ट तक चार्ज हुआ है और करंट भी पूरा 0 नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आप लोग अगर थ्योरी इसका देखेंगे तो इनफाइनाइट समय ले लेगा। तो यहाँ तक देखिए आ गया है, अब इसी में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया, आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पूरा डाटा ले लिया, सॉरी चार्जिंग का, अब डिस्चार्जिंग के लिए आप स्टॉप वॉच को फिर से रीसेट करिएगा 0 पे और अब हम डिस्चार्जिंग ऑन करने हैं। देखिएगा डिस्चार्जिंग में क्या होगा, मैंने बताया था अब ये 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया है, अब डिस्चार्जिंग में ये यहाँ से ये वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा और करेंट का क्या होगा, करेंट फिर से मैक्सिमम जाएगा लेकिन दूसरी ओर, यानी फिर से उसी वैल्यू पे मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे, फिर इधर से वो धीरे धीरे यहाँ पे घटना शुरू करेगा और रीडिंग आपको वैसे ही लेना है, जैसे डिस्चार्ज करेंगे स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और प्रत्येक सेकंड पे कितना वोल्टेज कितना करंट है ये नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने डिस्चार्ज ऑन कर दिया, ये देखिए करंट मैक्सिमम इधर पलट के फिर से ये कम होना शुरू हो रहा है, 0 की ओर आ रहा है और ये देखिए वोल्टेज ये डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे देखिए 5 वोल्ट इस समय 0.4 मिली एम्पियर, अब देखिए ये वोल्टेज घट के ये 2.5 आने वाला, 2.5 इस पे करंट घट के 0.2, तो इस प्रकार से आपको इसमें डाटा लेना होता है और उस दौरान समय भी ये नोट करते हैं। तो देखिए ये अब ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग में ये करंट घटते घटते 0 के पास आ रहा है और वोल्टेज भी जो मैक्सिमम 10 वोल्ट तक चार्ज हुआ है ये घटते घटते यहाँ 0 पे आ रहा है। तो ये हो गया इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब अगर मान लीजिए आप इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना चाहते हैं तो एक बार पहले आप डंप को ऑन कर दीजिए, देखिए ये तुरंत 0 पे सेट हो गया, यानी पूरा चार्ज इसका डंप हो गया, फिर इसको बंद करिए और फिर से मैं एक बार फिर आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर अच्छे से फोकस करिएगा इस पार्ट पर, मैं आप लोगों का यहीं पर मैं फोकस ही कर दे रहा हूँ, सॉरी फोकस नहीं हो पाएगा, देखिए इसी पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये देखिए ये चार्ज करंट घट रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये समय चार्जिंग चल रहा है,
वेट करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट का मैक्सिमम पावर सप्लाई है तो लगभग 10 वोल्ट तक तो ये चार्ज होगा ही। अब लास्ट में इसका जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो धीरे धीरे इसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रेट है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। तो ये हमारा लगभग चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। अब डिस्चार्जिंग करना है, तो डिस्चार्जिंग में आप लोग समय को रीसेट करके फिर से समय ऑन करेंगे तुरंत। ये देखिए डिस्चार्जिंग में करंट दोनों में कम होगा मैक्सिमम वैल्यू जाके। वोल्टेज चार्जिंग में पहले बढ़ेगा फिर डिस्चार्जिंग में इस प्रकार से कम होता जाएगा। आपको इन्हीं दोनों का साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ रीडिंग लेना होता है, तीन रीडिंग एक साथ, टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज और उसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट, ये पूरा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा और इसका ऑब्जर्वेशन टेबल और आगे का काम देख लेते हैं इसमें और क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आप इसका चार्जिंग, ये चार्जिंग का था, और उसी प्रकार आप लोग ये ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे देख लीजिए, ये डिस्चार्जिंग का है। अब जैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें आर की वैल्यू 50 किलो ओम लिया था और सी का वैल्यू 1000 माइक्रोफेरेड। ये इसी डाटा पे मैं आपको दूसरे ऑपरेटर्स पे भी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्चार्जिंग में सेम कॉम्बिनेशन पे उन्होंने यहाँ पे ये देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, और इस केस में देखिए वोल्टेज यहाँ पे कम हो रहा है, ये वोल्टेज घटता जाएगा और करंट तो इसमें भी कम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू से ये इस प्रकार से कम होता जाएगा। अभी क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये इसका इस प्रकार से ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको ग्राफ इसको समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो ये देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला ग्राफ देखिए, ये वोल्टेज चार्जिंग के समय वोल्टेज का ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस पे टाइम ले लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइम देखिए, टाइम में उन्होंने स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 20 सेकंड माना है, यानी एक ये इतना 20 सेकंड, फिर 20 ये इसमें जोड़ देंगे 40, 60, 80, ये इस प्रकार से टाइम। फिर वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज ले लेंगे, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे पैमाना है 1 सेंटीमीटर यानी एक बिग ब्लॉक बराबर 2 वोल्ट। तो ये देखिए यहाँ 2 वोल्ट, फिर अगला ये 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये इस प्रकार से वोल्टेज। तो यहाँ टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, ये वोल्टेज हो गया वाई एक्सिस पे। अभी हम लोग इसमें रीडिंग, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये टाइम 10 सेकेंड पे जो पहला वोल्टेज कितना था 3.8, तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट, ये जैसे ये 20 है, अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्लॉक यहाँ पे 20 है, तो इस 20 में भी ग्राफ में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो एक छोटा वाला खाना हो जाएगा 2 का, तो आपको 10 लेना है, तो यहाँ बीच में 5 खाने ले लीजिए, 5 × 10, तो ये 10 सेकंड पे आपका जो वैल्यू है वोल्टेज का 3.8, तो देखिए यहाँ तक 2 वोल्ट है, फिर यहाँ पे 4 यानी बीच में 5 खाना तक जाएंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 ये 4, 2 वोल्ट को भी 10 भागों में बांट दिया गया है, तो एक छोटे खाने का मान 0.2, तो इस 2 से 5 छोटे छोटे खाने और ऊपर बढ़ेंगे तो 5 × 0.2 यानी 1, तो 2 + 1 = 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 से यहाँ पे और भी छोटे छोटे ये खाने गया है 4 खाने ऊपर, तो यहाँ पे ये 8 वोल्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगला 20 सेकेंड पे 6.8, अब देखिए ये 20 सेकेंड, अब 20 सेकेंड पे यहाँ तक ये 6 वोल्ट है, अब 6.8, तो एक छोटा खाना 0.2 का है, तो हम लोग 4 और ऊपर चले जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ तक तो 6 वोल्ट है, उसके बाद 4 खाने और आप ऊपर जाएंगे तो 4 × 1 खाने का मान 0.2, 4 × 8 = 0.8, तो 6.8 यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रकार जितने भी यहाँ पे डाटा है सब हम ये इसको यहाँ पे बना लेंगे, और लास्ट में इसको जब इस प्रकार से प्लॉट कर देंगे तो ये हमारा ये एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये ग्राफ हमें ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो यहाँ पे ये पहले चार्जिंग बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखे होंगे लास्ट में ये स्लो पड़ गया, चार्जिंग का रेट क्या हो गया है अब स्लो पड़ गया है। तो ये हमारा चार्जिंग का ग्राफ हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे आप यहाँ पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज का ही ग्राफ है लेकिन ये डिस्चार्जिंग का है। तो सबसे पहले हम लोग इसके करंट का बना लेते हैं। तो हमने बताया था कि करंट जो है वो दोनों केस में हमारा घटता ही है, चाहे चार्जिंग का हो चाहे डिस्चार्जिंग का, तो उसका एक ही ग्राफ ये लिया गया है, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग, करंट तो दोनों में ये घट ही रहा है। तो अब देखिए ये इसमें चार्जिंग, इसीलिए यहाँ पे डीके ऑफ करंट इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किसी एक का हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो इसमें भी हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे टाइम, और इसमें भी स्केल वही है 1 सेंटीमीटर 20 का, तो 20, 20, 40, 60, यानी एक बड़ा वाला 20 का है, तो एक छोटा वाला जो खाना हो जाएगा वो 2 सेकंड का हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे इसमें स्केल है, हम इसमें करंट लेंगे तो 4 मिली एम्पियर का, तो 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 16, तो इस प्रकार से ये मिली एम्पियर में ये करंट का हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे ये डाटा देख लीजिए प्लॉट करना है हमें,
यहाँ पे जो टाइम है 20, 20 पे हमारा जो करंट है वो 29 है। तो देखिए यहाँ पे ये 20, अब 20 पे हमारा करंट मैंने बोला सुसु मैक्सिमम रहता है, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे 4 का है तो यानी 4, तो एक छोटे खाने का मान 0.4 हो गया, तो 29 के लिए हमें 4 4 8 दो तीसरे खाने तक जाना होगा, तीन खाने तक। तो ये मैंने यहाँ पे 28 के बाद तीन खाने ये ऊपर हो गया, तीन से थोड़ा पहले ही रहेगा, तीन दो और तीन के पास। तो ये इस प्रकार से हम आप लोग ग्राफ बनाना जानते ही होंगे। अगर ग्राफ बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा पीएन जंक्शन डायोड वाला जो वीडियो है आप उसमें देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक एक स्टेप बताया कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये टाइम का हम लोग यहाँ पे ये ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट कर लेंगे। और यहाँ पे अब लास्ट में हम लोग डिस्चार्जिंग के वोल्टेज का ये जो डाटा है ये देखिए, ये डिस्चार्जिंग का जो वोल्टेज कम हुआ है इसका भी ग्राफ हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे अगेन हम लोग टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं एक डाटा आपको दिखा दे रहा हूँ प्लॉट करके, यहाँ पे देखिए जैसे 20 सेकंड पे वोल्टेज वाला देखिए 13.9 लगभग 14 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 20 सेकंड पे है यानी ये एक मिनट कितना सेकंड है, हाँ 20 सेकंड पे लगभग 14 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ पे ये वाला देखिएगा, ये 20 30 60, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इस ग्राफ में इरर है, आप लोग सही से प्लॉट करिएगा, ये 20 होना चाहिए, 20 20 40, ये 20 20 का ही अंतराल होना चाहिए था। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हम लोग ग्राफ इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर लेंगे ये डिस्चार्जिंग के लिए वोल्टेज का। तो ये तीनों ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लिए हैं, ये चार्जिंग के लिए वोल्टेज का है, ये डिस्चार्जिंग के लिए वोल्टेज का है, और ये जो है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए करेंट का है। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं टाइम कांस्टेंट। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस टर्म होता है ये कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं, देखिए इसमें जो कॉम्बिनेशन लिया गया था R बराबर 50 किलो ओम और C बराबर 1000 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे R बराबर 50 किलो ओम और यहाँ पे C बराबर जो है हमारा 1000 माइक्रोफेरेड, इसको फेरेड में बदल लेंगे तो ये हमारा इतना फेरेड आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ओम में बदल लेंगे, क्यों आर को जो किलो ओम में, इसको ओम में बदल लेंगे और सी को हम लोग फेरेड में बदल लेंगे, तो सिंपल बस इनका गुणा कर देंगे आर इंटू सी, तो आर इंटू सी वही टाइम कांस्टेंट होता है। तो हमारा टाइम कांस्टेंट जो आ रहा है वो 50 सेकेंड आ रहा है बाय थ्योरी। अब सवाल ये उठता है कि एक्सपेरिमेंटली ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किया जाए टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस ग्राफ पे देखिए, पहले एक मिनट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये वोल्टेज वाला फॉर्मूला देखिएगा, वोल्टेज वाला जो ग्राफ बनाया है आई वोल्टेज वाला कहीं फार्मूला लिखा नहीं है, लेकिन ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, करंट और वोल्टेज में सेम प्रकार का फार्मूला बनेगा, V बराबर V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे देखिए 20 सेकेंड, तो स्मॉल टी बराबर 20 सेकेंड पे हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग लंबवत ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ ये ग्राफ पे कट करेगा यहाँ वाई की ओर आएंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 20.7 है, इसका मतलब 20 सेकेंड पे जो वोल्टेज था वो कितना चार्ज होके हुआ था, 7 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा 20 पे हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पॉन्डिंग बढ़ेंगे, तो ये 6 और ये 8 है, ये बीच में 7 है, तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यानी 20 सेकेंड में वाई एक्सिस पे वोल्टेज है तो ये वोल्टेज 7 वोल्ट, यानी कैपेसिटर 20वें सेकेंड में 7 वोल्ट पे चार्ज था। तो अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए V बराबर V नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी रखेंगे, तो हमने ये जो बताया मैंने टाइम कितना ले लिया है, यहाँ पे T लिखा नहीं है लेकिन हम यहाँ मेंशन कर देंगे एट T बराबर 20 सेकेंड पे जो वोल्टेज है वो कितना था, 7 वोल्ट था, और ये V नॉट यानी मैक्सिमम कितना वोल्ट तक वो चार्ज हुआ है। तो आप लोग इसी में यहाँ पे देख लेंगे सबसे लास्ट वाला रीडिंग, ये जो मैक्सिमम चार्ज हुआ है वो कितना 19.33 वोल्ट के आसपास चार्ज हुआ है, तो V नॉट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, और T बराबर 20 सेकेंड पे कितना वोल्ट वो चार्ज हुआ था, 7 वोल्ट। तो ये तीनों डाटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, T बराबर 20 सेकेंड पे वो 7 वोल्ट चार्ज हुआ था, V नॉट मैक्सिमम कितना वो चार्ज हुआ था, वो लगभग 20 वोल्ट के आसपास वो उसका फुल चार्जिंग होगा। तो जितना आपका शो किया था उतना ही लिख दीजिए, 20 वोल्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं, 19.93 वोल्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, V बाई V नॉट बराबर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ लॉग ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, तो ये लॉग V बाई V नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी, हमें क्या निकालना है, हमें आर सी निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, देखिए टी
टी बराबर हम कितना रख देंगे 20 सेकेंड, तो ये मैंने 20 रख दिया। ये माइनस मतलब वो दर्शा रहा है, अच्छा ये इस एक्सपोनेंशियल का माइनस है, खैर इसको रहने दीजिए। तो ये टी बराबर 20 रख दिया मैंने। आर सी टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है, टी बराबर 20 सेकेंड पे वोल्टेज 7 वोल्ट था, वी नॉट का मान हम यहाँ रख देंगे। पूरा रख के जब हम लोग आर सी का मान निकालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 44.06 सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटली बाई ग्राफ है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली जो हमारा चार्जिंग आ रहा है वो आया था, सॉरी टाइम कांस्टेंट आया था 50 सेकेंड और बाई ग्राफ एक्सपेरिमेंटली 44.06 सेकेंड आ रहा है, जो कि सही है क्योंकि उतना अंतर उतना एरर होता ही है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली में, ये आंसर काफ़ी सही माना जाएगा। आप लोग इस सर्किट को मत ध्यान दीजिएगा अभी, ये सर्किट वो दूसरे ऑपरेटर्स का है जिससे डिजिटली हम अच्छे से रीडिंग ले सकते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से रीडिंग ले लेंगे। तो ये वाला सर्किट मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, उस ऑपरेटर्स के साथ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिस्कस करूँगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस ऑपरेटर से आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा पूरा। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट मेजर्ड फ्रॉम ग्राफ इज इक्वल टू 44.06 सेकेंड एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो ये पूरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।